जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लेसन नंबर 4। थैंक यू मैम। ट्रांसलेशन, जी आज का हमारा लेसन है, थैंक यू मैम, लैंगस्टन ह्यूफ का चैप्टर है, ट्रांसलेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। शी वॉज़ अ लार्ज वुमेन विद अ लार्ज पर्स। वो एक लंबी चौड़ी खातून थी या जसीम खातून थी जिसके पास एक बड़ा सा पर्स था। That had everything in it but a hammer and nails, जिसमें सब कुछ था सिवाय कीलों और हथौड़े के। It had a long strap, इसकी एक लंबी तनी थी। She carried it slung across her shoulder, और इसने इसे अपने कंधे पर लिपटा रखा था। It was about 11 o'clock at night, रात के तकरीबन 11 बजे थे। Dark, अंधेरा था। And she was walking alone, और वो तन्हा जा रही थी। When a boy ran up behind her, जब एक लड़का भागता हुआ उसके पीछे से आया, and tried to snatch her purse, और उसका पर्स छीनने की कोशिश की। The strap broke with a sudden single tug, पट्टी अचानक झटके से टूट गई। The boy gave it from behind, जो लड़के ने इसे पीछे से दिया था। But the boy's weight, लेकिन लड़के का वज़न, and the weight of the purse combined, और पर्स का वज़न मिल गए, caused him to lose his balance, और उसका तवाज़ुन खोने का बाइस बने। Instead of taking off full blast as he had hoped, बजाय इसके कि वो पूरी रफ्तार से भाग जाता जैसा कि उसे उम्मीद थी, the boy fell on his back, लड़का अपनी कमर के बल गिरा on the sidewalk, पैदल चलने के रास्ते पर, and his legs flew up, और उसकी टांगें ऊपर उठ गईं। The large woman simply turned, जसीम खातून बड़े आराम से मुड़ी अराउंड वापस, एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जीन्स सीटर, उसकी नीली जीन्स पर बैठने की जगह पर ठोकर लगाई। देन शी रीच डाउन, फिर वो नीचे झुकी, पिक द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रंट, लड़के को उसके गिरेबान से पकड़ा, एंड शुक हिम, और उसे इतना हिलाया अंटिल हिज टीथ थ्रेटर्ड, यहाँ तक कि उसके दांत बचने लगे। आफ्टर डैट द वोमन सेड, उसके बाद खातून ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हेयर, लड़के मेरा पर्स उठाओ और मुझे दो। She still held him tightly, उसने अभी भी उसे मजबूती से पकड़ रखा था, but she bent enough, down enough to permit him to stoop, लेकिन वो इतना झुक गई कि लड़के को इजाज़त दे सके कि वो झुक जाए and pick up her purse, और उसका पर्स उठाए। Then she said, फिर उसने कहा, Now aren't you ashamed of yourself? क्या अब तुम्हें खुद पर शर्मिंदगी नहीं है? Firmly gripped by the shirt front, the boy said, Yes, ma'am. अपनी गिरेबान से जकड़े हुए लड़के ने कहा, जी खातून। द वुमन सेड, खातून ने कहा, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तुम ऐसा क्यों करना चाहते थे? द बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई डिडंट एम टू, मेरा ये मकसद नहीं था। शी सेड, उसने कहा, यू आर लाए, तुम झूठे। बाय दैट टाइम, उस वक्त टू और थ्री पीपल पास, दो या तीन लोग गुजरे, स्टॉप्ड, रुके, टर्न टू लुक, देखने को मुड़े, एंड सम स्टूड वॉचिंग, और कुछ खड़े देखते रहे। इफ़ आई टर्न यू लूज विल यू रन, अगर मैं तुम्हें ढीला छोड़ दूँ तो क्या तुम भाग जाओगे? आज तो वुमेन, खातून ने पूछा। येस मैम, जी खातून, सेट द बॉय, लड़के ने कहा। देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज, फिर मैं तुम्हें ढीला नहीं छोड़ूंगी, सेट द वुमेन, खातून ने कहा। शी डिड नॉट रिलीज हिम, उसने उसे ना छोड़ा। लेडी आई एम सॉरी, खातून मुझे अफसोस है, विस्पर्ड द बॉय, लड़के ने सरगोशी की। हम योर फेस इज डर्टी, ओहो तुम्हारा चेहरा गंदा है। I got a great mind to wash your face for you. मेरा ख्याल है मैं तुम्हारा चेहरा तुम्हारे लिए धुलवाती हूँ। Ain't you got nobody home to tell you wash your face? क्या घर पे कोई नहीं जो तुम्हें कहे कि चेहरा धो लो? No ma'am, नहीं खातून, said the boy, लड़के ने कहा। Then it will get washed this evening, फिर ये आज शाम धुल जाएगा, said the large woman, उस जसीम खातून ने कहा। Starting up the street, गली में दाखिल होते हुए, dragging the frightened boy behind her, अपने पीछे खौफजदा लड़के को घसीटते हुए। He looked as if he were 14 or 15, वो 14 या 15 साल का दिखाई देता था। फ्रेल, दुबला पतला, एंड विलो वाइल्ड और नाजुक बेद की मानिंद, इन टेनिस शूज एंड ब्लू जीन्स, टेनिस के जूतों और नीली जीन्स में। द वुमन सेड, खातून ने कहा, यू ऑट टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, मैं तुम्हें सही गलत की तमीज़ सिखाती। Least I can do right is to wash your face. अभी जो मैं कर सकती हूँ वो ये कि तुम्हारा चेहरा धुलवा दूँ। Are you hungry? क्या तुम्हें भूख लगी है? No ma'am, नहीं खातून, said the being dragged boy, घिसटते हुए लड़के ने कहा। I just want you to turn me loose. मैं सिर्फ चाहता हूँ आप मुझे छोड़ दें।
वॉज आई बॉदरिंग यू वेन आई टर्न दैट कॉर्नर? क्या मैंने तुम्हें परेशान किया जब मैं वो कोना मुड़ी? आज द वुमेन खातून ने पूछा। नो मैम, नहीं खातून। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टेक्ट विद मी, लेकिन तुमने खुद मुझसे राबता कायम किया, सेड द वुमेन खातून ने कहा। इफ़ यू थिंक दैट कॉन्टेक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, अगर तुम सोचते हो कि ये राबता ज़्यादा लंबा नहीं है, यू गॉट अनदर थाट कमिंग, कुछ और सोचो। When I get through with you, sir, जब मेरा तुमसे राबता हो गया जनाब, you are going to remember Mrs. Luella Bates Washington Johns, तो तुम Mrs. Luella Bates Washington Johns को याद रखोगे। Sweat popped out on the boy's face, लड़के के चेहरे पर पसीना उभर आया, and he began to struggle, उसने जदोजहद शुरू कर दी। Mrs. Johns stopped, Mrs. Johns रुकी, jerked him around in front of her, झटका देकर उसे अपने सामने किया, पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, उसकी गर्दन पर हाथ जमाया, एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और उसे गली में घसीटना जारी रखा। व्हेन शी गॉट टू हर डोर, जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची, शी ड्रैग द बॉय इनसाइड, उसने लड़के को अंदर घसीटा, डाउन अ हॉल, नीचे एक बड़े कमरे में, एंड इन टू अ लार्ज किचन एट फर्निश्ड रूम, और एक बड़े बावर्ची खाने जैसे सजे हुए कमरे में, एट द रियर ऑफ द हाउस, घर की पिछली जानब। She switched on the light and left the door open. उसने बत्ती जला दी और दरवाज़ा खुला रहने दिया। The boy could hear other rumors laughing and talking in a large house. लड़का दूसरे कमरों में से बड़े घर में हंसने वालों की आवाज़ें सुन सकता था। Some of their doors were open too. कुछ दरवाजे खुले भी थे। So he knew he and the woman were not alone. इसलिए वो जानता था कि वो और खातून तनहा नहीं थे। द वुमेन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ अ रूम, खातून ने उसे अभी तक कमरे के दरमियान में उसकी गर्दन से पकड़ रखा था। शी सेड, उसने कहा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? रॉजर, आंसर द बॉय। रॉजर, लड़के ने जवाब दिया। देन रॉजर, यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस, उस सिंक पर जाओ और अपना चेहरा धो लो, सेड द वुमेन, खातून ने कहा। वेयर अपॉन शी टर्न हिम लूज, उसके साथ ही उसने उसे छोड़ दिया, एट लास्ट, आखिरकार। रॉजर लुक्ड एट द डोर, रॉजर ने दरवाजे को देखा, लुक्ड एट द वुमेन, खातून को देखा, लुक्ड एट द डोर, दरवाजे को देखा, एंड वेंट टू द सिंक, और सिंक पर चला गया। लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, पानी बहने दो यहाँ तक कि ये गर्म हो जाए, शी सेड, उसने कहा। हियर इज अ क्लीन टॉवल, ये लो साफ तौलिया। यू गोना टेक मी टू जेल, तुम मुझे जेल ले जाओगी? आस्क द बॉय, लड़के ने पूछा, बेंडिंग ओवर द सिंक, सिंक पर झुकते हुए। Not with that face, इस चेहरे के साथ नहीं। I would not take you nowhere, इस चेहरे के साथ मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगी, said the woman, खातून ने कहा। Here I'm trying to get home to cook me a bite to eat, मैं घर आ रही थी ताकि खाने के लिए कुछ बना सकूं। And you snatched my pocket book, और तुमने मेरा पर्स छीना। Maybe you aren't been to your supper either, तुमने भी शाम का खाना नहीं खाया होगा। Late as it be, काफ़ी देर हो गई, have you क्या खाया? There is nobody home at my house, मेरे घर में कोई भी नहीं है, said the boy, लड़के ने कहा। Then we'll eat, चलो फिर हम मिलकर खाएंगे, said the woman, खातून ने कहा। I believe you are hungry, मुझे यकीन है तुम भूखे हो, और been hungry या भूखे रहे हो to try to snatch my pocket book, जब भी मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। I want a pair of blue suit shoes, said the boy, लड़के ने कहा। मुझे नीले सूट जूतों का एक जोड़ा चाहिए था। Well, you didn't have to snatch my pocketbook to get some suit shoes. तुम्हें suit जूते खरीदने के लिए मेरा पर्स छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, said Mrs. Luella Bates Washington Johns. Mrs. Luella Bates Washington Johns ने कहा। You could have asked me, तुम मुझसे मांग सकते थे। मैम, खातून। The water was dripping from his face, पानी उसके चेहरे से टपक रहा था। The boy looked at her, लड़के ने उसे देखा। There was a long pause, एक लंबा वक्फा था। A very long pause, एक बहुत लंबा वक्फा। After he had dried his face, चेहरा खुश्क करने के बाद, and not knowing what else to do, ये ना जानते हुए कि क्या करे, dried it again, उसने इसे दोबारा खुश्क किया। The boy turned around, लड़का वापस मुड़ा, wondering what next, हैरान था कि अब क्या। The door was open, दरवाज़ा खुला था, he could make a dash for it, वो भाग कर उसकी तरफ जा सकता था, down the hall, नीचे हॉल में। He could run, 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 run. वो भाग सकता था, भाग सकता था, भाग सकता था। The woman was sitting on the day bed. खातून सोफे पर बैठी थी। After a while she said, कुछ देर बाद उसने कहा, I were young once. मैं भी जवान थी, and I wanted things I could not get. मुझे भी चीज़ें चाहिए थी जो मैं नहीं हासिल कर सकती थी। There was another long pause. एक और लंबा वक्फा आया।
द बॉयज माउथ ओपन, लड़के का मुंह खुला रह गया। देन ही फ्रॉन्ट, फिर उसने तेवरी चढ़ाई। नॉट नोइंग ही फ्रॉन्ट, ये ना जानते हुए कि वो तेवरी चढ़ा रहा था। द वुमेन सेड, खातून ने कहा, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से बट डिडंट यू, तुमने सोचा कि मैं कहने वाली थी बट लेकिन क्या नहीं। यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुम्हें लगा मैं कहने वाली थी, बट आई डिडंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स, लेकिन मैं लोगों के बटुए नहीं चुराती थी। वेल आई वॉजन गोइंग टू से दैट, मैं ऐसा नहीं कहने वाली थी। पॉज, वक्फा, साइलेंस, खामोशी। आई हैव डन थिंग्स टू, मैंने भी कुछ काम किए हैं, विच आई वुड नॉट टेल यू सन, जो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी बेटा। एवरीबॉडी इज़ गॉट समथिंग इन कॉमन, हर शख्स में कुछ मुश्तरक होता है। सो यू सिट डाउन वाइल आई फिक्स अप समथिंग टू ईट, तुम बैठ जाओ, मैं खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। यू माइट रन दैट कॉम थ्रू योर हेयर सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल, तुम ये कंघी अपने बालों में फेर लो ताकि तुम अच्छे दिखाई दो। इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के दूसरे कोने में, बिहाइंड अ स्क्रीन, पर्दे के पीछे, वॉज अ गैस प्लेट, एक चूल्हा एंड एन आइस बॉक्स, और एक फ्रिज थी। मिसिस जॉन्स गॉट अप, मिसिस जॉन्स उठी एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, और पर्दे के पीछे चली गई। द वुमेन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, खातून ने अब लड़के को नहीं देखा कि क्या वो दौड़ जाएगा। नॉट डिड शी वॉच हर पर्स, ना ही अपने पर्स को, विच ही हैड लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड, जो उसने पीछे सोफे पर ही छोड़ दिया था। बट द बॉय टू केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम, लेकिन लड़का बड़ी एहतियात से कमरे में दूर बैठा रहा, अवे फ्रॉम द पर्स, पर्स से दूर, वेयर ही थॉट शी कुड ईजिली सी हिम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई, जहाँ उसके ख्याल में वो उसे आसानी से देख सकती थी नज़र बचा कर, इफ़ शी वॉन्टेड टू, अगर वो देखना चाहे। ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमेन नॉट टू ट्रस्ट हिम, वो नहीं चाहता था कि खातून उस पर एतमाद ना करे। एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी मिस ट्रस्टेड नाउ, अब वो बेएतमाद नहीं होना चाहता था। डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर, क्या तुम्हें स्टोर पर किसी को भेजने की ज़रूरत है, आज द बॉय, लड़के ने पूछा। मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, दूध या कुछ और मंगवाना हो। डोंट बिलीव आई डू, ऐसा कुछ नहीं है, ना ये सोचो मैं ऐसा करूँगी, सेड द वुमेन, खातून ने कहा। अनलेस यू जस्ट वॉन्ट स्वीट मिल्क योर सेल्फ, यहाँ तक कि तुम्हें अपने लिए मीठा दूध चाहिए। आई वॉज गोइंग टू मेक कोकोआ आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क आई गॉट हेयर, मैं इसी डिब्बे के दूध से कोकोआ बनाने जा रही थी जो मेरे पास है। दैट विल बी फाइन, यही ठीक रहेगा, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। शी हीटेड सम लाइमा बीन्स, उसने कुछ लाइमा फलियाँ गर्म की एंड बीफ और गाय का गोश्त शी हैड इन द आइस बॉक्स, जो उसके पास फ्रिज में था। मेड द कोकोआ, कोकोआ तैयार किया एंड सेट द टेबल और मेज लगाई। द वुमेन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड, खातून ने लड़के से कुछ भी ना पूछा कि वो कहाँ रहता था, और हिज फोक्स या उसके घर वाले, और एनीथिंग एल्स या कुछ भी ऐसा दैट वुड एम्बेरस हिम, जो उसे परेशान करता। इंस्टेड, इसकी बजाय, एज ए एड, जब वो खा रहे थे, शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब, उसने उसे अपनी नौकरी के बारे में बताया। इन अ होटल ब्यूटी शॉप, एक होटल की ब्यूटी पार्लर में, डेट स्टेड ओपन लेट, जो देर तक खुला रहता। व्हाट द वर्क वाज लाइक, काम किस तरह का था, एंड हाउ ऑल काइंड ऑफ वेमेन केम इन एंड आउट, किस तरह हर तरह की खवातीन आती और जाती, ब्लॉन्ड्स, सुनहरी बालों वाली, रेड हेड्स, सुर्ख बालों वाली, एंड स्पेनिश और हस्पानवी। देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक, तब उसने 10 सेंट वाले केक का उसे आधा हिस्सा काट कर दिया। ईट सम मोर सन, कुछ और खाओ बेटा, शी सेड, उसने कहा। When they finished eating, जब उन्होंने खाना ख़त्म किया, she got up and said, वो खड़ी हुई और बोली, Now here take this $10, अब ये $10 लो, and buy yourself some blue suede shoes, और अपने लिए नीले स्वीट जूते खरीदो। And next time, और अगली दफ़ा, do not make the mistake of latching on to my pocketbook, nor anybody else's, ना तो तुम मेरा पर्स छीनने की कोशिश करना और ना ही किसी और का, because shoes got by devilish ways will burn your feet, क्योंकि शैतानी रास्ते से हासिल किए गए जूते तुम्हारे कदम जला देंगे। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अब मेरे आराम का वक्त है, बट फ्रॉम हेयर ऑन इन सन, लेकिन आइंदा से बेटा, आई होप यू विल बिहेव योर सेल्फ, मुझे उम्मीद है तुम खुद पर अच्छे रहोगे। शी लेड हिम डाउन द हॉल, वो उसे नीचे हॉल में ले गई, टू द फ्रंट डोर, सामने दरवाजे की तरफ, एंड ओपन इट और दरवाज़ा खोला। गुड नाइट, शब खैर, बिहेव योर सेल्फ बॉय, खुद के साथ अच्छे रहो लड़के, शी सेड, उसने कहा। लुकिंग आउट इन टू द स्ट्रीट, बाहर गली में देखते हुए, एज शी वेंट डाउन द स्टेप्स, जब वो सीढ़ियाँ उतर रहा था, द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम टू मिसिज लोवेला बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स, लड़का शुक्रिया खातून के अलावा भी मिसिज लोवेला बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स को कुछ कहना चाहता था। बट अल्दो हिज लिप्स मूव्ड, लेकिन अगरचे उसके होंठ हिले, ही कुडंट इवन से दैट
वो ये भी ना कह सका एज ही टर्न्ड एट द फुट ऑफ द बैरन स्टूप, जब वो चबूतरे के आखिरी सीढ़ी पर सुनसान गली में उतर गया एंड लुकड अप एट द लार्ज वुमेन इन द डोर, और दरवाजे में जसीम खातून को देखा, देन शी शट द डोर, फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़. अल्लाह हाफिज़.